तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के पहले क्या कहता है ओपिनियन पोल, पत्रकारों से समझिए दिल्ली में किसकी बनने जा रही सरकार, क्या कहता है ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जा सकती है, क्या आम आदमी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है। वोटिंग के पहले ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 8 को वोटिंग और 11 को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर खबरें चल रही हैं कि बीजेपी को फायदा हो सकता है, जो यहाँ पर झोपड़ी पट्टी थी उसको नियमितीकरण का जो बड़ा मुद्दा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दे सकता है। मनोज तिवारी कहना है कि अब की बार 45 पार बीजेपी दिल्ली में सीट ला रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में खिचड़ी सरकार यहाँ पर बनाई है उससे कितना फायदा कांग्रेस को हो सकता है। दिल्ली के अंदर रणनीति बनाई अमित शाह ने दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में अब की बार उनकी सरकार, ऐसा उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन इससे पहले एबीपी न्यूज ने सबको चौंका दिया था और एबीपी न्यूज के अनुसार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एक तरफा सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन क्या कहता है यहाँ पर अन्य जो वरिष्ठ पत्रकार है दिल्ली के लिए, एक नहीं पूरे 5 पत्रकारों का आपको वरिष्ठ पत्रकार का ओपिनियन पोल दिखाएंगे और आखिर में दिखाएंगे किस प्रकार से औसतन आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस पर विचार किया गया है, तो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास 56% है। विकास के मुद्दे पर इस बार वोट मांगे जाएंगे। अर्थव्यवस्था यहाँ पर 31, तो 6% सुरक्षा और 7% अन्य मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर इस बार विकास बनने जा रहा है। ये दिल्ली में सर्वे किया इसके अनुसार आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, वो निमिष कुमार ने तैयार किया है। उनके अनुसार दिल्ली में 70 सीट में से आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती नजर नहीं आ रही है और 27 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस का खाता खुल रहा है, 7 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। तो ये बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, वरिष्ठ पत्रकार का ओपिनियन पोल। अगर यहाँ पर हर्षवर्धन ओपिनियन पोल दिखाए आपको 70 सीटों के लिए, तो 38 सीटें जा सकती है और बीजेपी 27 तो कांग्रेस 5। अगर यहां पर सीए और एनआरसी का जो विरोध किया जा रहा है उसका फायदा अगर बीजेपी को मिल जाता है तो बीजेपी 27 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। 2013 में भी ये बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई 2013 में। लेकिन 2015 में एकतरफा यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 2020 के लिए आंकड़े इस तरह के बन सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव को ओपिनियन पोल आपको दिखा दें तो इनके अनुसार आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर रही है, 45 सीटें को हासिल कर रही है। बीजेपी यहां पर 24, तो एक सीट कांग्रेस के हिस्से में जा रही है। अगर यहां पर उमाकांत लकड़ा जो वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली के लिए, उनकी आंकड़े आपको दिखाएं तो बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, उनका साफ तौर कहना है। इस कारण से यहां पर दिल्ली की 55 सीटें आम खाते में जा सकती हैं। बीजेपी को सिर्फ 8 सीट, तो कांग्रेस को 7 सीट यहां पर मिल सकती हैं। इसके अनुसार अगर प्रमोद कुमार सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली के लिए, उनके आंकड़े आपको दिखा दें तो आम आदमी पार्टी को 45 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी 18 सीटों पर आ सकती है, तो कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें यहां पर जा सकती हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सभी पत्रकारों का जो औसतन आंकड़े जो निकले हैं उनके अनुसार आम आदमी पार्टी को 45, तो बीजेपी 20, कांग्रेस के हिस्से में 5 सीट यहां पर आ सकती हैं। तो ये बड़ा सर्वे है और इस सर्वे में आम आदमी पार्टी 45 सीटें हासिल कर रही है। लेकिन अगर आपको एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल भी दिखा दें तो आम आदमी पार्टी एक तरफा सरकार बनाती नजर आ रही है, 59 सीटें उनके खाते में जा रही हैं और बीजेपी सिर्फ 8 सीट, तो कांग्रेस के समय 3 सीट यहां पर आती नजर आ रही है। वोट शेयर में भी यहां पर आम आदमी पार्टी कहीं आगे है। लेकिन ये तो ओपिनियन पोल हैं और सर्वे हैं, आने वाले समय में किस प्रकार से आंकड़े बनते हैं और बिगड़ते हैं ये तो फाइनल आंकड़े आपको 11 फरवरी को देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, किसकी बनने जा रही सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और नई जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।